Hello everyone, welcome to the first session of 11th, level 3. जैसे कि आपने देखा, ये हमारी टेक्सटबुक है और ये हम आज से शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा आपको मैं बता दूं कि ये हम क्या पढ़ने वाले हैं और हमारा ये जॉब रोल क्या है। तो जॉब रोल है यहाँ पे हमारा रिटेल सेल्स एसोसिएट का, और हमारे जो नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स जो इस रोल में कवर किए जा रहे हैं, जो इस टेक्सटबुक में कवर्ड हैं, वो हमारे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं वो है टू प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज, टू हेल्प कीप द स्टोर सिक्योर, टू मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी, टू डेमोंस्ट्रेट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, help customers choose right products and to provide specialist support to customers facilitating purchase. तो ये जो हमारे अलग अलग national occupational standards हैं, 114, 120, ये सारे जो हमारे listed हैं, ये सब हम अपने इस textbook में cover करेंगे। तो सबसे पहले हमारा unit 1. Unit 1 of the textbook is fundamental of retailing, which details the basics of retailing, sales associate services to customers, skills for handling retailing business and duties and responsibilities of sales associate. तो हमारा जो पहला यूनिट है वो हमने जो अभी तक दो सालों में किया है, जो सीखा है, उसका एक तरह का रिकैप होगा। यूनिट टू में हम क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, क्रेडिट सेल्स के बारे में। यूनिट थ्री में हम मैकेनिज्म फॉर कस्टमर्स टू चूज राइट प्रोडक्ट्स, मेथड्स ऑफ सेलिंग, ये सब देखेंगे। यूनिट फोर में हम स्पेशलिस्ट सपोर्ट देखेंगे फॉर द कस्टमर्स, और यूनिट फाइव में हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे जैसे हम यूनिट्स पे आएंगे उसके डिटेल में हम जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे अपना यूनिट वन। हमारे फर्स्ट यूनिट फंडामेंटल्स ऑफ रिटेलिंग के चार सेशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेशन इज बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, उसके बाद सेल्स एसोसिएट सर्विसेज टू कस्टमर्स, थर्ड सेशन रहेगा हमारा स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिटेल बिजनेस, और फोर्थ सेशन रहेगा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सेल्स एसोसिएट। सो हम ये हर सेशन को अलग अलग वीडियोज में कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम यूनिट वन का इंट्रोडक्शन और बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सो रिटेल इंडस्ट्री, जैसे कि हम पहले भी अपने लेवल वन एंड टू में कर चुके हैं, रिटेल इंडस्ट्री सिक्योर्स द फिफ्थ पोजीशन एज एन इंडस्ट्री एंड इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रिटेल इंडस्ट्री फिफ्थ इंडस्ट्री है, एज अ फिफ्थ पोजीशन है उसका इंडिया में, और एम्प्लॉयर के हिसाब से वो एग्रीकल्चर के बाद आता है, दैट इज सेकंड। तो यहाँ पे बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है रिटेल में, और रिटेल बिजनेस जो है इसमें बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के लिए। तो जैसे आप जानते हैं कि अर्लियर वी हैड स्मॉल शॉप्स, किराना स्टोर्स, एंड वी यूज्ड टू हैव शॉपकीपर्स सिटिंग इन देयर शॉप एंड सेलिंग गुड्स, जैसे सोल प्रोप्राइटर हो गया या थोड़े असिस्टेंट्स हो जाते थे उनके पास। पर अब हमारे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ गए हैं बड़े बड़े, वी हैव मॉल्स, और ये वही प्रोडक्ट्स हमें देते हैं। साथ ही में हमारे सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपरमार्केट्स, मॉल्स, नॉन स्टोर रिटेलिंग, ये सब बहुत अलग अलग तरीके के मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड टेलीमार्केटिंग, ये सब भी आ चुके हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशनल रिटेल बिजनेस, जैसे हॉकर्स हो गए, ग्रोसर्स, वेंडर्स, जो ठेले वाले होते थे, इन सब के साथ साथ हमारे ये बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो भी चल रहे हैं। सो वी हैव वेरियस लेवल्स एट विच रिटेल बिजनेसेस ऑपरेट, ranging from small owner operated and independent shops to those in the national and international market. So bahut alag alag retail businesses hain, chote se leke
बड़ा होता जाता है फ्रॉम अ लोअर लोकल लेवल टू नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल. तो एक इंक्रीज इन जो इनकम लेवल्स है, लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है, डबल इनकम है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, और लोगों को नए नए प्रोडक्ट्स चाहिए. सो इंक्रीज इन इनकम लेवल्स एंड अ नीड फॉर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इन सबसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया है, मार्केट में कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न्स भी बदल गए, तो हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ रिटेल इंडस्ट्री की डिमांड. सो आपके जो इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया, फर्स्ट सेशन जो है वो बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग की डिस्कशन करेंगे. सेकेंड जो सेशन है हमारा वो हम डिस्कस करेंगे सेल्स एसोसिएट सर्विसेज. थर्ड सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्किल्स फॉर हैंडलिंग रिटेल बिजनेसेस. और लास्ट सेशन में हमारा रहेगा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेल्स एसोसिएट. तो आज हम बात कर रहे हैं सेशन वन बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग. सबसे पहले हमारा सब टॉपिक है यहाँ पे मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिटेल बिजनेस. यहाँ मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब आप पहले कर चुके हैं. तो मैं आपको ले चलती हूँ हमारे सेशन वन के थ्रू. अ रिटेलर इज अ मर्चेंट और ओकेजनली एन एजेंट और अ बिजनेस एंटरप्राइज whose main business is selling directly to ultimate consumers. तो ये हम जानते हैं कि रिटेल जो हमारा होता है, it deals with end customers, और रिटेलर वो है merchant या agent या business enterprise जिसका main काम या मुख्य काम यही रहता है कि वो ultimate consumers, end consumers या final consumers, उनको सामान बेचे. ये resell नहीं होता है. तो रिटेलर और बिजनेस एंटरप्राइज परफॉर्म्स मेनी मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज बाइंग, सेलिंग, ग्रेडिंग एंड डेवलपिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स वांट्स. तो रिटेलर जो है वो एक इंटरमीडियरी है, एक बीच में आता है वो मार्केटिंग चैनल में, क्योंकि वो मार्केटर भी है, वो सामान बेच रहा है, वो कस्टमर भी है क्योंकि वो किसी और से खरीद रहा है, और वो लास्ट पर्सन को देता है जो कंज्यूम करता है. वो स्पेशलिस्ट भी है जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में कनेक्शन बनाए रखता है. तो बहुत प्रोड्यूसर्स हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, पर ये जो मेथड रहता है अल्टीमेट यूजर्स को डायरेक्टली सेल करना, ये इनकन्वीनियंट भी रहता है, एक्सपेंसिव भी रहता है और टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है. तो जो रिटेलर है वो आप मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से सामान लेके कस्टमर्स तक डायरेक्टली जब पहुंचा रहा है तो वो आसान रहता है. सो मैन्युफैक्चरर्स डिपेंड ऑन रिटेलर्स टू सेल द प्रोडक्ट्स to the ultimate consumers. So it is essential to understand the term wholesaler. So wholesaler क्या होता है? Wholesaler और retailers ये दोनों ही intermediaries होते हैं distribution channel में. Intermediaries का मतलब है कि ये बीच में आते हैं, एक तरह के ये agent हो जाते हैं. So wholesaler sells to individuals or retailer for the business or resale purpose. तो wholesaler क्या हो गया? वो manufacturer या producer से सामान लेता है और retailers को बेचता है. So wholesalers buy larger quantities of goods from manufacturers and sell in small quantities to retailers. Thus in the distribution channel, the wholesalers operate between manufacturers and retailers, and retailers operate between wholesalers and consumers. तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, manufacturer wholesaler से deal करता है, wholesaler retailer से, और retailer consumers. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, wholesaler जो है वो indirect sale करता है, wholesaler के साथ एक middleman जुड़ा होता है, और कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है थ्रू द मिडलमैन. रिटेलर जो है वो रिटेल डायरेक्ट सेलिंग करता है टू द कंज्यूमर. सो होलसेल मींस सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस यूज और रीसेल पर्पस, और आपके लार्ज क्वांटिटीज में देते हैं. So now we are talking about the kirana store या corner grocer जो होता है, is a key element of retail in India due to the unwillingness of people
to go long distances for purchasing goods for daily needs. अगर आप आजकल के जमाने में देखें जहां पे कोविड सिचुएशन की वजह से दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सब भी मॉल कम जाके आप अपने लोकल स्टोर्स में जाके एसेंशियल सामान ले रहे थे. So convenience was indicated by consumers as the most important reason in the choice of groceries and fruit outlets, chemists and lifestyle items, while merchandise was indicated as the most important in durables, books and apparel. So यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि आपका जो consumer है, अगर उसको आटा, दाल, चावल या फल या सब्जी लेनी है तो वो चाहता है कि आराम से उसे मिले, दवाई चाहिए तो भी आराम से मिले, कुछ भी लाइफस्टाइल आइटम है तो वो आराम से उसको मिले, जैसे आपके कपड़े हो गए या कुछ भी कंफर्टेबल के लिए या आपके बैग्स हो गए, ये सारे आपके लाइफस्टाइल आइटम्स, ये आपको आराम से मिलने चाहिए. पर जो चीजें आप पैसे ध्यान से सोच समझ के खर्चते हैं, जैसे ड्यूरेबल्स हो गए, बुक्स हो गए, अपैरल हो गए, इनके लिए आपका मर्चेंडाइज के हिसाब से आपका कंज्यूमर ढूंढता है. सो इन रीसेंट इयर्स देयर हैज बीन अ स्प्रेड ऑफ रिटेल चेन्स इन सम फॉर्मेट्स लाइक सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मॉल्स एंड डिस्काउंट स्टोर्स. सो फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग द स्प्रेड ऑफ चेन्स आर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, इंप्रूव्ड शॉपिंग स्टैंडर्ड्स, कन्वीनियंट शॉपिंग एंड डिस्प्ले एंड ब्लेंडिंग ऑफ शॉपिंग विद एंटरटेनमेंट. सो द फैक्टर्स जिसके वजह से रिटेल स्टोर्स इतने बढ़ गए हैं, वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं कम दामों पे, आपके शॉपिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, थोड़े अच्छे हो गए हैं, आपका कन्वीनियंट शॉपिंग एंड डिस्प्ले हो गया, और आपके शॉपिंग जो है वो मॉल्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आप मूवीज भी देख सकते हैं, आप खाना भी खा सकते हैं, तो इट इज कंबाइनिंग विद एंटरटेनमेंट. और साथ ही में जब आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT स्किल्स रहते हैं आपके, उसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या ई रिटेलिंग ये भी आ गया है. तो आप कितनी बारी फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसे आपके जो स्टोर्स होते हैं, वेब स्टोर्स होते हैं, आप वहां से लेते हैं. सो द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट, ई टेलिंग होता है यहाँ पे, आपके बिजनेस टू बिजनेस सेल्स होती है, बिजनेस टू कंज्यूमर आपके सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे आपके बहुत अलग अलग तरीके से आपके वेबसाइट्स यूज हो रहे हैं. और जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं बिजनेस टू बिजनेस का, सपोजिंग कोई कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो टायर्स जो है या इंजन जो है वो किसी और मैन्युफैक्चरर से लेता है, कोई भी कंज्यूमर जाके इंजन नहीं खरीद रहा होता, तो ये बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है. जैसे आपका जो गवर्नमेंट है वो भी टेंडर्स पास करते हैं और लोगों से रेलवेज और मेट्रोज इन सब के लिए जब वो अपने खरीदारी करते हैं तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो जाता है. और अगर कोई बिजनेस टू कंज्यूमर होता है जहां पे आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर रहे हैं, आप अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए, या आप किसी स्टोर में जाके अपने लिए सामान लेते हैं, तो वो आपका B2C सेल हो जाता है. तो ये जो है आपके सेल हो सकते हैं सब्सक्रिप्शन से, टू वेबसाइट कॉन्टेंट्स, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू TV चैनल्स, और आप पेमेंट इसकी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कर सकते हैं. तो ऐसे ही आपके बहुत सारे रिटेल इंडस्ट्री में चेंजेस आए हैं, और इन चेंजेस की वजह से आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े हैं, और अलग अलग तरीकों के अलग अलग स्किल्स की जरूरत पड़ रही है हमें इस इंडस्ट्री में. आइए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस, इसको जरा देख लेते हैं. बताइए आप में से किसको याद है ऑर्गेनाइज्ड क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस क्या है? याद आया? So, the retail business is undergoing rapid growth in India. Formerly, customers used to purchase goods from kirana shops, from the mobile vendors or the mandis. अब ये shift हो गए, बड़े-बड़े दुकानों में shift हो गए हैं, जहाँ पर individuals run करते हैं कम employees के साथ, और standard of living भी बढ़ता जा रहा है लोगों का. तो यहाँ पे retail sector जो है, उसकी demand बढ़ रही है क्योंकि और departmental stores आ रहे हैं. तो ये जो reforms है हमारे retail sector में, इसके वजह से ऑर्गेनाइज सेक्टर आया है. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये रिटेल सेक्टर के दो पार्ट्स हैं, ठीक है? तो आगे देखते हैं. अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग जो है, ये हम बात कर रहे हैं हमारे
ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स ऑफ लो कॉस्ट रिटेलिंग, जैसे आपके लोकल किराना स्टोर हो गए, आपके आसपास के छोटे जनरल स्टोर हो गए, पान की दुकान, कन्वीनियंस स्टोर्स, हाथ गाड़ी जो चलाते हैं, जो पेवमेंट वेंडर्स रहते हैं, जो आपके सड़क पे आपकी मंडीज लगती हैं किसी पर्टिकुलर दिन पे, और ये सब आपके रहते हैं स्टोर्स जिनपे पुअर एंड ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पे इसका सेटअप ऐसा रहता है कि आपने यहाँ पे ठेला लगा दिया, आपने बेचना शुरू कर दिया, या आपने अपनी छोटी दुकान में ढेर सारा सामान रख के बेचना शुरू कर दिया, यहाँ पे फंड्स इनसफिशिएंट रहते हैं, तो ये लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी इनकी कम रहती है, और इनके इनसफिशिएंट अपस्ट्रीम प्रोसेसेस एंड एब्सेंस ऑफ स्किल्ड मैनपावर, तो इनका जो प्रोसेस रहता है काम करने का वो भी एक तरह से अनस्किल्ड रहता है, ये ना ही रजिस्टर्ड होते हैं लीगली, ना ही ये रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, और ये छोटे और स्कैटर्ड होते हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट्स एक फिक्स या मोबाइल लोकेशन से बेचते हैं। सो ट्रेडिशनल यूनिट्स इंक्लूड मंडीज, हाट्स, मेलास, द लोकल बनिया, किराना शॉप्स, पान वाला एंड अदर्स लाइक कॉबलर, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैं अभी भी आपके टेक्स्ट बुक से ही आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज रिटेलिंग की। Organized retailing refers to trading activities undertaken by licensed retailers, that is those who are registered for sales tax, income tax, etc. So, यहाँ पे एक तो आप licensed रहते हैं, आप tax paying होते हैं, आप usually corporate backed hypermarkets और retail chains होते हैं, कई बारी privately owned large retail businesses भी होते हैं, यहाँ पे customers को ज्यादा convenience रहता है और साथ ही में उनके पास कंफर्ट और स्पीड भी रहता है। तो एग्जांपल्स इसके रहते हैं सुपरमार्केट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, टेली शॉपिंग, ये सब। तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग जो रहता है हमारा, इट इज केपेबल ऑफ जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि बड़ी दुकानें हैं तो ज्यादा लोग चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा लोग भी हायर होते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा पोटेंशियल है, इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इन द कमिंग इयर्स। तो डिफरेंस क्या है हमारे ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस की, तो आइए हमारे टेक्स्ट बुक में जो टेबल है उसके हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट। ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस जो है उसका कॉन्सेप्ट है सेग्रीगेटेड आइटम्स ब्रॉट अंडर वन रूफ। ये बिजनेस जो है वो सिस्टमैटिक, एडवांस्ड और साइंटिफिक तरीके से कराया जाता है। वहीं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस जो है वो स्मॉल फैमिली रन ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर्स रहते हैं विद पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और इनसफिशिएंट प्रोसेसेस रहते हैं, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी रहती है और इनएडिक्वेट फंडिंग एंड एब्सेंस ऑफ स्किल्ड मैन पावर रहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स कंपल्सरी होता है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल बिजनेस में, और अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस जो आपका रहता है वो कंपल्सरी नहीं रहता है। फिर जब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ आइटम्स की, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे रहते हैं रिटेल यूनिट्स में बहुत आइटम्स रहते हैं, बहुत वैरायटी रहती है, और अनऑर्गेनाइज्ड में कम आइटम और कम वैरायटी या वैरायटी ही नहीं रहती। साइज एंड लेआउट जब हम देखते हैं तो हमारा रिटेल स्टोर जो है ऑर्गेनाइज्ड में वो बड़ा है, उसका स्टोर भी बड़ा है, अट्रैक्टिव लेआउट है, और अनऑर्गेनाइज्ड में स्मॉल है, उसका लेआउट भी छोटा रहता है, डिजाइन भी उसकी सही नहीं रहती। आप खुद ही सोचिए, जब आप मॉल में जाते तो बड़ी बड़ी दुकानें आपको दिखती हैं, चलने की जगह रहती है, और आपके किराना स्टोर में आप जाएं तो आपको काउंटर के पीछे खड़ा रहना पड़ता है, वो दुकान से जो निकाल के दे रहा है वही आपको लेना पड़ता है, आप खुद से देख नहीं सकते और चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा साइज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज ज्यादा रहते हैं ऑर्गेनाइज में, वेरिड कैटेगरीज होते हैं, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन होते हैं, जैसे रिटेल सेल्स एसोसिएट हो गया, उसका टीम लीडर हो गया, टीम लीडर का डिपार्टमेंट मैनेजर हो गया, डिपार्टमेंट मैनेजर के ऊपर स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, और फिर आपका रीजनल स्टोर मैनेजर, तो ये सब आपके बहुत सारे लेवल्स ऑफ स्पेशलाइजेशन रहते हैं। यहाँ अनऑर्गेनाइज में एम्प्लॉयज लेस रहते हैं, एम्प्लॉय एक ही होगा, उसको सारे काम करने हैं, सफाई भी करनी है उसने, दुकान भी उसी ने सजाना है, बेचना भी उसी ने है, तो ये अलग अलग इनके साइज एंड टाइप का डिस्कशन हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है, हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड में
यहाँ पे ज्यादा पैसे लगते हैं, ज्यादा लागत होती है इसमें, और हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट इज हाई, ओनरशिप में नॉट एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन। इसका मतलब क्या है, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड में कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस है और बिजनेस इज ओन्ड बाय सक्सेसर्स। तो मम्मी डैडी की दुकान है, बेटा चला रहा है, बेटे के बाद उसका बेटा चला रहा है, पर आपके ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यह है कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, ये पूरा एक चेन चल रहा है। और ऑर्गेनाइज्ड में यहाँ पे लोग बाहर से हायर होते हैं, कंपनी ओनरशिप होती है, तो यहाँ पे कोई भी परपेचुअल सक्सेशन जरूरी नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बड़ी है तो उसके डैडी ने स्टार्ट करी और उसके बाद वो कंटिन्यू कर रहा है, पर ये जो आपका डिपार्टमेंट मैनेजर है उसका बेटा आके डिपार्टमेंट मैनेजर बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखें तो अनऑर्गेनाइज्ड में छोटी दुकानें हैं तो जरूरी नहीं है कि वो तनख्वाह भी टाइम से दे, गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी नहीं है तो वो कह सकते हैं कि आज नौकरी पे हो कल निकाल दें। पर इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड में आपका रेगुलर एंड जॉब सिक्योरिटी रहता है, रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बिजनेस स्टाइल की जब हम बात करें तो कॉर्पोरेट स्टाइल में होता है ऑर्गेनाइज्ड, और अनऑर्गेनाइज्ड जो है वो ट्रेडिंग या पार्टनरशिप स्टाइल में होता है या सोल ट्रेडिंग में होता है। बिजनेस नेटवर्क जो आप देख रहे हैं, बिजनेस यूनिट्स आर रन ऑन कॉर्पोरेट स्टाइल, जैसे हमने बात करी, तो कॉर्पोरेट स्टाइल है कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, और बड़ी बड़ी कंपनीज के ये रिटेल स्टोर हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड में छोटी दुकानें हैं वो खुद ही चला है। बिजनेस नेटवर्क जो है हमारा वो बड़ा रहता है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस हैं अलग अलग प्लेसेस। तो जैसे आप बिग बाजार ही ले लीजिए, आपके एक पर्टिकुलर दिल्ली के स्टेट में ही आपको, जैसे सपोजिंग हम ईस्ट दिल्ली में फोकस करें तो यहीं पे हमें चार दुकानें मिल जाएंगी बिग बाजार के आउटलेट्स। तो ऐसे अलग अलग ब्रांचेस आपके अलग अलग प्लेसेस में है। जो आपके अनऑर्गेनाइज्ड है वो यूजली एक लोकेलिटी में ही कन्फाइंड रहते हैं, एक ही यूनिट से वो अपना बिजनेस चला रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, हाइपरमार्केट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इंटरनेट एंड टेलीशॉपिंग, ये सब है। और अनऑर्गेनाइज्ड में हमारा वेजिटेबल आउटलेट्स, मोची जो कॉबलर, फ्रूट वेंडर्स, किराना स्टोर, लोकल बनिया, पान वाला, शॉप्स इन मंडीज, हाट मेलाज, ये सब है। तो अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट। तो इसको मैं अभी एक इंट्रोडक्शन देती हूं और इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्टोर रिटेलिंग जो है वो दो कैटेगरीज में है, ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज ऑफर्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ये जो है हम स्टोर्स के डिस्कशन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप अभी तक जो हमने किया वो आपको समझ आ गया होगा और आपको पिछला जो हमने पढ़ा है वो याद आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपना यूनिट वन का सेशन वन ही कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।